हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट हेल्थ। दोस्तों, व्यक्ति जो भी खाता है वह उसके शरीर को प्रभावित करता है। जब ठंडा मौसम शुरू होता है तो शरीर का तापमान कम हो जाता है। ऐसे में आहार में उन चीजों को शामिल करना चाहिए जो शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करे और गर्माहट महसूस करवाए। सर्दियों में पारा गिरने के कारण शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट ऊर्जा और शरीर को गर्म रखने के लिए धीमा पड़ जाता है। यही वजह है कि सर्दियों के दौरान नींद और सुस्ती महसूस होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका सेवन आप सर्दियों के दिनों में कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, तिल का बीज। दोस्तों, चिक्की सर्दियों के दौरान लोकप्रिय है। चिक्की तिल के बीज से बनती है जो सर्दियों के दौरान शरीर को गर्म और आरामदायक रखने के लिए अच्छी होती है। ये बीज आयरन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं जो हड्डियों और मांसपेशियों के मजबूती के लिए जरूरी है। नंबर दो, जड़ वाली सब्जियां। दोस्तों, जड़ वाली सब्जियां शरीर को गर्म रखती हैं क्योंकि उनका पाचन धीमा होता है जिससे ज्यादा गर्मी पैदा होती है। जैसे कि मूली, शकरकंद और शलगम जैसी जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों का आप सेवन जरूर करें। इसका सूप बनाकर या इसका सलाद बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर तीन, देसी घी। दोस्तों, देसी घी सबसे आसानी से पचने वाला वसा है जो शरीर को आवश्यक गर्माहट देता है। ये पाचन में सहायक करता है, कब्ज से बचाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को सर्दी और फ्लू से बचाता है। अपनी दाल और सब्जियों में घी की कुछ बूंदें मिलाकर या घी से पका भोजन आप सेवन करें। ऐसा करने से आपको सर्दियों से होने वाली दिक्कतें कम हो जाएंगी। नंबर चार, अदरक। दोस्तों, अदरक में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को सर्दियों के दिनों में गर्म रखने में आपकी मदद करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में और रक्त के प्रभाव को बढ़ावा देने में आपकी मदद करता है। इसलिए सर्दियों में सुबह अदरक वाली चाय आप जरूर पिए, ये आपके लिए फायदेमंद भी होगी। नंबर पाँच, ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों, बादाम, काजू और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। ये अनीमिया और अन्य बीमारियों का इलाज करने में भी आपकी मदद करते हैं। जो आयरन और विटामिन की कमी से हमें बीमारियां होती हैं, ये उन्हें दूर करने का काम करते हैं। इन्हें कच्चा खाएं या फिर दूध में मिलाकर आपके लिए दोनों ही फायदेमंद है। नंबर छह, तुलसी। दोस्तों, तुलसी में औषधीय गुण होते हैं। ये विटामिन सी, ए, जिंक और आयरन से भरपूर होती है जो शरीर को ठंड के समय सर्दी, खांसी और अन्य सांस की समस्या से हमें बचाती है। तुलसी की पत्तियां खाने से प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी भी बढ़ती है, इसलिए ठंड के मौसम में आप इसका सेवन जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।